Hare Krishna, Hare
बड़ी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरोगिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की फरमाइश कर रहे कल के कीर्तन फिर हो जाए। हाजिर अगर आपने इतनी कदर की है हाजिर कल के कीर्तन में सब बच्चों को बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगा मैं हाजिर हम फिर वही कीर्तन करेंगे आइएगा। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा मुझे जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा है बड़े प्रेम पूर्वक मुझे वो बख्श दे आके जिन्हें वो जू तेरी बहुत अच्छे बहुत अच्छे मुझे वो बख्श दे आके जिन्हें वो जू तेरी के जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की बहुत अच्छे मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की के जिनको हर समय विश्वास और इत्बार तेरा
के जिनको समय विश्वासी और इतबारी तेरा बहुत अच्छे मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवल जाओ मांगो मेरी देवियों मांगो मेरे सजनों अगर शादी करानी है तो मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवल ऐसा दया वो जिसके दिल में और सेवा दार तेरा हो दया हो दया हो जिसके दिल में और सेवा दार तेरा जाओ मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी भगत निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा भगत निश मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल जाओ ये प्रेमी काट ही लेगा कुछ से जिंदगी के दिल
सर पर कृपा का हाथ जब सर का तेरा हो मेरे सर। बहुत अच्छे। मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सर का तेरा हो मुझे भगवान 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 मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा अजी अजी जुबा वो दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु से वीर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की खुला कर रखा है आनंद हर चीजें जो जिसके जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते इसी तरह मन बुद्धि के लिए भी भगवान ने सब चीजें ऑन कर रखी है। कर्म तो करना ही है जब भगवान कृष्ण यहाँ तक कह जाते हैं यहाँ में देखो जो तुमने कल कोई भी फायद बेअल भगवान कर्म करवाना चाहते है मेरी जैसी सी कर्म होती है देखकर आप ये आसानी से अनुमान लगा लो तो भगवान जब मेरी दोस्तों को कर्म करवाए बिना नहीं छोड़ते तो भगवान यही होते हैं कि कर्म किया जाए मतलब आप देखेंगे कि मुझे कर्म करने की जरूरत है। एक बार जो भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी थी मेरे मन में जो कर्म करना नहीं मेरे मन में जो विचार जिन्हें उठा अब मुझे शरीर रखने कर दी शरीर रखा जाए तो क्यों जब हम लोगों ने एमए की डिग्री यूनिवर्सिटी से ले ली हम दिल किया कि अब हम होते ही क्यों रहे इसके तो हमें छोटी बड़ी ये कहें कि आप कमरे को वकेट करो हम खुद ही चल पड़े महाराज के लिए कृपा कर दी जो मेरी करना थी मैं महाराज जी के चरणों में सिर झुका हूँ इस त्रिलोकीनाथ दुनिया के बनाने वाले को एक बार जी भर के देखू अब फिर जीने का मतलब क्या तो भगवान की क्षमा करेंगे और आप तो हैरान होंगे दिल चाह के अक्षरी को छोड़ दिया जाए अनेकों के बीच में बोध बने भोजन वस्त्र इत्यादि करना क्या है मैं तो ये सोचता रहा और ये सोचता रहा स्पष्ट आज से पहली बार कह रहा हूं कई ऐसी बातें जो मैंने अभी तक छुपाया थी आज प्रसंग ऐसा बन गया ये पहली बार बोल रहा हूं मैंने ऐसे चाहा कि आप कल या परसों उन दिनों की बात में कह रहा हूं कि एक दो दिनों में मुझे नारद जी के पावन धाम वृंदावन में जाकर बिना किसी को बताए हजूर के बिल्कुल निकट शरीर को छोड़ देना चाहिए तब को जानकार तो नहीं होगा पर हिंदू धर्म के अनुसार वो उठा लेंगे और महाराज जी की पावन धरती पर जला देंगे मैंने अब क्या देखा ये ख्याल बन चुका दृढ़ हो गया हमारे जैसे आप लोगों की तरह आइगर आर
संकल्प विकल्प नहीं करते रहते। अब तक की मेरा जो स्वभाव है, जो करना है फौरन कर लिया। मैं आपकी भी नहीं परवाह करता, जो मेरे पास धन में रहती है मैं उनकी तरफ नहीं देखता। जो एक बार मेरे मन में आ जाए मैं लंबी छलांग लगा देता है, चाहे कोई मेरे पर खुश हो नाराज हो, मैं उसको भगवान की आवाज उन्होंने प्रेरणा दी है मुझे कर गुजरना। तो मैं ये निश्चय कर चुका, बस उस निश्चय करने के थोड़ी देर बाद फिर मुझे आधा घंटा समझी गए मन में ये विचार आया तो मैं ध्यान लगाया, ध्यान किया। अब मैं क्या बतलाऊ, ध्यान के बाद क्या मेरे प्रभु मुझे किस तरह प्रेरणा देने लगे। मैं अपनी जगह छुम छुम रो जा रहा हूं, तो मेरे से ये नहीं होगा। अब महाराज जी ये चाहती थी कि ये गुगु अपना पेट भरने के बाद, अपनी मन बुद्धि को रजाने के बाद ये छोड़ देना चाहता है शरीर, पर वो छोड़ भी देता है। लेकिन महाराज जी चाहते थे ना, इस मिट्टी के अपनी शक्ति दे करके कईयों के लिए कुछ करवा लिया जाए। इतनी जोरदार प्रेरणा देने लगी और मैं नलायक इनकार पे इनकार करने लगा, छम छम रोता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं नहीं करना, मैंने प्रचार बिल्कुल नहीं करना, आप मुझे कितना कह लीजिएगा तो मैं नहीं मानूंगा। इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़ी बोलियां चलती हैं, बहुत कुछ होता है, मृत्यु नहीं होगा। मैं नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने विवेकानंद की जीवनी पढ़ी थी, गुरुदेव जी की जीवनी पढ़ी थी, और भी एक स्वामी कृष्णानंद जी थे उधर उत्तरकाशी की तरफ, बड़ी ऊपर आफतें और मुसीबतें लाई गई थी, तो और भी एक स्वामी रामदास जी थे, इसलिए जीवनियां पढ़ी थी। विचार बहुत बड़ा तंग किया गया था, गांधी जी का साफ शफाफ जीवन मेरे सामने था, फिर भी बेचारे को गोलियों से नाक दिया गया। ऐसों की जीवनियों ने मुझे निरुत्साहित कर दिया था कि समाज के लिए कुछ किया जाए, समाज इस काबिल ही नहीं है। सभा करना तो मैं स्पष्ट बोलता जा रहा हूं, नहीं इनको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की मर्जी देखिए होता वही है जो मंजूर है खुदा होता। इतनी जोरदार प्रेरणा दे 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 करके बिल्कुल ही क्या कहूं, ये शब्द लगाऊ तो लगाऊ, भगवान जी ने मुझे तंग ही करवा। मैं आज पहली बार ये शब्द लगा रहा हूं, महाराज जी ने तंग कर दिया, ये कहकर करना ही होगा। और मेरे बिना कहे क्या बोलूं अब मैं, भगवान का प्यार अपनी ओर से गहरे देर लगे। मैं आज कहूंगा भगवान की आवाज औरतों की तरह दी, कभी आप सुने तो मेरे साथ एग्री करेंगे। उस वक्त महाराज जी की आवाज आदमियों की तरह नहीं है, बड़ी बारीक, बड़ी मीठी और एकदम आपके अंतःकरण को खींच लेने वाली, जैसे मकनातीस होता। ये मेरे कुछ एक तजर्बे याद रखना, बड़ी मीठी और बड़ी बारीक, जैसे औरतें अम्मा नहीं, जैसे कोई यंग लेडी बोलती हो, बड़ी बारीक आवाज, बड़ी आकर्षक। और भगवान का रंग सांवला नहीं, जो भगवान ने मुझे अपने दिव्य दर्शन कराए, बहुत ही गोरा, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, जिसे हम सांवला कहते हैं वो नहीं है, बिल्कुल जरा भर भी सांवला नहीं है, वो अवतारी वक्त सांवला हो चुका होगा, लेकिन जब दर्शन देती है तो बिल्कुल बहुत ही व्हाइट कलर है, बिल्कुल व्हाइट, और बाल के बहुत ही घुंघराले हैं, अति सुंदर बाल है। उनकी बड़ी कृपा, बड़ा बेहजा हूं जो प्यार में घर के मैं बोलता चला जा रहा हूं। तो ये सब कुछ होता रहा, दो दिन लगातार भगवान जी मेरे से लड़ाई करते रहे कि ये करना ही होगा, और मैं अड़ियल घोड़े की तरह अड़ी करता चला जा रहा था। आखिर जीत तो भगवान की होनी थी, तो मैं हैरान हूं कि देखिए मेरी दृष्टि से कैसे हर सुबह शाम ड्यूटी लिए जा रहे हैं, हर सुबह शाम, हर सुबह शाम। हालांकि आप देखिए मुझे आपकी कसम, ना कोई हानि है ना कोई लाभ है, मुझे आपको सुना रहा हूं, कसम में कह रहा हूं कोई लाभ ही कोई नहीं। अच्छा मैं ना सुनाऊं तो भगवान हंसतेंगे, हानि भी कोई नहीं, लेकिन आप जीवों को उठाने के लिए शाबाश, जिस भगवान ने लाखों रुपए के हार बनाए, जिस भगवान ने लाखों रुपए के क्लब बनाए, जिस भगवान ने लाखों रुपए के शराब खाने बनाए, उस भगवान ने हजारों रुपए के सत्संग भवन बनाकर और मेरे जैसे ना चाहने वालों को भी मुंह में लगाम डाल करके सेवा लेनी शुरू कर दी। मैं अपनी जीवन के तजर्बा से ये बताना चाहता हूं कि भगवान कर्म करवाने में खुश होते हैं, भगवान कर्म करवाने में खुश होते हैं। यहां तक कि वो कहती है निठल्ला बैठने की बजाय, बड़ा मैं गंदा हूं क्या बोल रहा हूं, चोरी कर ले वो अच्छा है, निठल्ला बैठने की बजाय यारी कर ले वो बहुत अच्छा है, निठल्ला बैठने की बजाय कुछ जुट ले बहुत अच्छा है। आप कहेंगे क्यों,
वो कहेंगे ये जल्दी कर्म करेगा सजाएं पाएगा, रजोगुण में आएगा फिर सतोगुण में आ जाएगा। भगवान जी कहते हैं न करने से कुछ करते रहना अच्छा, जी को कुछ करते रहना चाहिए, जुटे रहना चाहिए। तो मैं आपसे फिर ये बात उसी प्रसंग में लाऊंगा, जब करना ही है तो फिर एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, भगवान के एक नियम है कि जो कुछ किया जाता है उसका संस्कार करते हैं। जैसे कि हम हिंदुओं के मंदिरों में जो यहाँ ऐसा बनाया नहीं गया, हिंदुओं के मंदिर के अंदर गुम्बद रुमा होती है, उनमें जिस प्रकार की हम ध्वनि निकालते हैं उसकी प्रतिध्वनि होती है, सदरी माता है ना समझे, प्रतिध्वनि को भाषण बोलो तो गूंज, जिस प्रकार की आप अपने मंदिर में आवाज बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोट की आवाज आएगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे बोलते हैं गूंज। जैसे मानो कोई आपकी चेयर लगा रहा है, जैसे आप बोले तो आपको चिढ़ा रहा है, उसे अपनी मातृभाषा में कहेंगे प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि, इको की री इको। इसी तरह हर क्रिया की प्रतिध्वनि होती है, हर क्रिया की रिएक्शन होता है, ये नियम है भगवान का। भगवान ने गजब ठा दिया कर्म योग के अंदर कि भगवान कहते हैं तो क्रिया कर रिएक्शन नहीं होगा, अच्छा क्रिया कर रिएक्शन नहीं होगा, बहुत अच्छी। अगर रिएक्शन मेरे जैसे पर हो तो फिर मुझे भगवान ने कितना धोखे में और कितने नुकसान में रखा, अंदाजा लगाइए। अगर रिएक्शन ये नियम मेरे जैसे पर भी लागू हो तो फिर मुझे तो भगवान ने जानबूझ के फंसा दिया, मैंने क्या लेना था। तो भगवान की तीन नहीं, तू इस तरह अंतःकरण पर बरसाती पहन ले, जहां से मैं चला हूं भैया गया, इस तरह मैं और आप सोता बत्ता ऐसी बरसाती पहन ले, जैसे मैंने अभी अभी कहा था मूसलाधार वर्षा हो रही हो, मूसलाधार आप समझते हैं, बोलने को आप बोलती है पुत्र रहने दो, रहने दो, रहने दो, मुझे ना बताओ आपको मुझे पता है, मैं बताता हूं आपको। धान को जब कूटा जाता है ओखली में धान डाले जाते हैं, तो अब तो आपकी सेहत में कुछ नहीं, हमारी आप अम्मा को देखते तो आपको पता लगता है कि सेहत किसका नाम होता है, और अम्मा की भी अम्मा को देखते हो तो आप हंस देते, सेहत बड़ी अच्छी थी उस समय, तो बड़े अच्छे अच्छे भोजन तो काम बहुत, चक्की पीसना ये, फिर ओखली में चावल डालना, उन दिनों शहर का हुआ करते थे। उन दिनों मेरे देखते देखते ही एक इंजन आया था चावल साफ करने वाला, वरना ओखली में डाल लेते तो मूसर होता मोटा डंडा, उसे बोलते रहते मूसर, और लगातार उसमें मारते रहते ऊपर से लगातार, तो उसे कहावत मान गई मूसलाधार, ये जैसे मूसल को छोड़ा नहीं जाता और लगातार मूसल मारे जाते हैं, लगातार लगातार लगातार, ये लगातार के अर्थ में हो गया मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। तो इसी तरह मूसलाधार वर्षा में जैसे हम अपने अंदर के कपड़े बचा लेती हैं, इसलिए हमारे अंदर के कपड़े हैं बुद्धि और मन, ये बच जाते हैं, यकीन जानिएगा मैं अनुभव किए बैठा हूं। जब हम अंतःकरण की ये अवस्था बना लेते हैं जो हमारे जिंदगी के रहनुमा अत्यंत दयालु कृपालु भगवान कृष्ण ने 41वें श्लोक में बतला, ध्यान देना 41वें श्लोक में बतलाए कि तू ये बरसाती पहन ले, कैसी बरसाती ध्यान दीजिए क्या कहा, कर्म किया कर बरसाती के, बरसाती किससे मिलती है, विशेष प्रकार के धागों के ताने पेटे से, विशेष प्रकार के धागों के ताने पेटे से। अब अंतःकरण पर विशेष प्रकार का ये भाव रख लेते हैं, क्या मैं कर्म करूंगा फल पे नजर नहीं रखूंगा, तो कर्म तो किसी के लिए होता है, एक नियम है मैं कर्म करने आ रहा हूं तो मेरे सामने कोई होना चाहिए तब कर्म होगा, आप कर्म कर रहे हैं आपके सामने कुछ होना चाहिए, परिवार एक श्रीमती मर गई, कुछ दिनों के बाद 6 साल का बच्चा छोड़ी थी, उसको बुखार चला वो मर गया, तो मेरे साथ कई भाइयों को देखते देखते उसने अपने मुड़ा लिया, असर मुड़ा के सन्यासी बन गया और हर बार चला गया, मैं अब तक हर गया उससे बार बार कहीं क्या करें, अब मैं कर्म किस लिए करूँ, मैं आप नौकरी वो इतना रोकते रह गए दफ्तर, अब आप तो हमें किस लिए करूँ, घरवाली मेरी मर गई, पुत्र मेरा मर गया, नई शादी मैंने करनी कोई नहीं, तो मैं क्या कर करूँगा। अब ये जो घटना आज भी घटती है, अब कर्म फॉर दी सेक ऑफ होता है, ध्यान दीजिए मेरी बेटी, कर्म फॉर दी सेक ऑफ होता है, किसी के लिए कर्म होता है। जब आप कहेंगे ना कर्म तो सवाल कर लो किसके लिए, बड़ा गजब का लगता है, कर्म किसके लिए,
जब आप कर्म करेंगे किसके लिए, यानी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्शन फॉर द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी देन देयर विल बी एक्शन अदरवाइज देयर विल बी नो एक्शन। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है आप कर्म नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई आपका टारगेट होना चाहिए तब कर्म होगा। अब लीजिए, अब हमने कर्म किया भगवान के फल को नजर न कर, तो प्रभु मैं कर्म किस लिए करूं, क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं है? जरूर, तो हमेशा प्यार में कर्म होता है। भगवान कहते हैं मेरे प्यार में भरते मेरे लिए कर्म। अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार न हो मुझे आपकी कसम आप कर्म नहीं कर सकते। पराई जाई पत्नी बनाई सारी जिंदगी उसके लिए लगाई, ये अगर प्यार न हो आप कभी भी कर्म उसके लिए नहीं करेंगे। अब आप कर्म भी करती हैं कमाती भी हैं, अगर प्यार न हो तो आप कर्म नहीं कर सकते। भगवान ने एक ऐसी वृत्ति मन की बनाई है जिससे चुटकियां मार के भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं कह नहीं सकता पर मैं तो सच्चाई की बातें बोलता रहता हूं। भगवान ने एक ऐसी वृत्ति बनाई है जो सुरेश से भी ज्यादा चिपकने वाली है। दुनिया में ऐसी कोई गम नहीं है, ऐसी चिपकाने वाली कोई सुरेश या कोई और गम कोई गोंद या कोई और चिपकाने वाली चीज जो ऐसी दुनिया में नहीं मिली जितनी कि भगवान ने जीवों के मन को चिपकाने वाली वृत्ति बनाई है, उसको बोलते हैं मोह। याद रखना आपको पता नहीं, ऐसी कोई दुनिया में गोंद नहीं कोई सुरेश नहीं जितनी कि मोह ने काम किया है। अगर आपके सामने सच्चाई की बात, अगर ये मोह की वृत्ति न बनी होती भगवान की दुनिया कभी भी न चलती। एक कुतिया को भी चैन नहीं है। आप मेरे सामने आना एक दिन, यहां से पहले रोटियां खाएगी, हम काफी फुल उनको भी डालते हैं खा लेगी। ये कुतिया को देखा करो पेन का सुबह लो, खाने के बाद अपने मुंह में रोटियां भरेगी। अब देखो आप हैरान हो जाओगे, पहले अपना पेट भर दिया फिर जो रोटी बच गई है ये नहीं कि पड़ा कुत्ता बैठा वो खा ले, कागज देख रहे हैं कब ये जाए हम खाए ना, तो रोटियां भरेगी। देखने वाली बात है, जितनी मुंह में आएंगी सारी रोटियां ले जाएगी और यहां से दौड़ लगाएगी। तो हमें किसी के साथ गए देखते हैं कहां बच्चे दे रखे हैं कहीं उस गले के अंदर, वहां जाके उनके सामने रख देंगे। देखिए जरा वो या खा पी करके उनके सामने लेट जाएगी, बच्चे चूसने लग जाएंगे। छोटी सी चिड़ी होती है, चिड़ा होता है कहां कहां से उड़ते हैं और यहां गोलक बना रखी है रब ने, यहां से खाना रख लेंगे, ये अंदर डालना उनके लिए हराम है। अब यहां ला करके उसको दबा दिया अपने नए नए ताजा ताजा बच्चे के अंदर, वो देर होती है आप देख लेते हैं ची 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 मुंह से निकाल निकाल के छोटे बच्चे में दे रही है। आप कितनी दूर जाती है चंडीगढ़ या कहां का सर्विस करने जाती है, हाँ ये मुंह के कारण से। अगर भगवान आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे मन में ये घात पहुंची जी मैं बता दूं, जितना टाइम आप कमाने में बक बक में और गंदी लोगों के साथ वार्तालाप करने में लगाते हैं, अच्छा मुझे आपकी अगर इससे सौवां हिस्सा कम के लिए लगा दिया जाए तो भगवान का तख्त मिल जाए। सौवां हिस्सा कम जिन्हों जान से वो महाराज जी क्यों लग गए, दुनिया वालों के मन में सख्त कर करके मर जाओगे फिर भी वो इतने संतुष्ट नहीं होते। भगवान ने दया के समुन्दर श्याम सुंदर दया के समुन्दर उनके लिए पूर्ण अपील उनके लिए। अगर हम थोड़ा भी जुट जाती हो इस जमाने में ऐसी व्यक्ति उंगलियों पर गिने जाएंगे जो पूर्ण अपील भगवान के लिए है, भगवान उनके लिए खुश रहते। तो मैं दर्श किया चाहता हूं जब हम प्यार में भर जाते हैं भगवान के, अब आप दृष्टि चला रहे हैं तो मुंह में चला रहे हैं, भ्रष्टाचार आपका चल रहा है तो मुंह में चल रहा है। मुझे आप सबकी कसम मिल जैसे खाक दृष्टि चला सकती है जिनसे भगवान ने इस तरह मुंह खींच लिया है जैसे गीली स्याही को क्या आपका ब्लॉटिंग पेपर खींच लेता, गीली स्याही लगाओ ब्लॉटिंग पेपर स्याही चूस लगाओ स्याही चूसी जाएगी। मिल जैसे से भगवान ने मुंह को खींच लिया है। तो मिल जैसे कहते अगर इनमें, मेरे घर में यह आता है कई बार कह चुका हूं, इनमें टाइम लगाने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। मैं पुत्र को पालता हूं पाल पाल के मरता हूं, हाँ मेरे मन में ये दफा दिया पुत्र को पालने या तो भगवान का भक्त बने या तो ये कोई सेवादार बने तो इससे मेरा मेरी शक्ति गई तो अच्छा तो हुआ ना। लेकिन जब इसने आगे प्राय धी को संभाला लख लाना तो मेरे जैसे को अपना शक्ति लगाऊं अपना धन लगाऊं अपना अनमोल टाइम लगाऊं और ये प्राय का बन जाए तो मुझे क्या मिलेगा, मैं गति चला सकता धी बनाऊं बना के पढ़ा के लिखा के सुंदर बनाओ और पराया पुत्र गवाही कह के मैं आपका गवाही हूं ले जाए मुझे क्या मिला।
ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं अज्ञानता और अविद्या में कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए कि इतना कीमती टाइम, इतनी कीमती श्वास अगर मैं मालक के लिए दूं तो आवागमन छुट्टी क्यों ना पा लूं। ये बार बार मैंने लेना भी ना क्या इन दृष्टियों में से, इन पुत्रों दियो से क्या लेकर इतना मुंह भगवान का तो हजार बार कहता रहा मगा ले मैं इनसे मुंह हटा दू। असलियत की बात बताई मैं आपके, सिर्फ मुंह के कारण से आप दिन रात कर रहे हैं। जरा सा दूसरी घर का बच्चा होता है, 15 मिनट सवाल की लिखा, सिर्फ 15 मिनट, मेरे भाई का लड़का है, सारा दिन आप कभी इस साइड पर कभी इस साइड पर कभी गोदी में नहीं रखेगी सारा दिन। अगर आप पड़ोसी का बच्चा लेने घूमते बेचारी गई है, पड़ोसी का 10 मिनट नहीं सवाल जाता है, यहाँ से असर होता है मुंह जब तो कैसी अटैचमेंट भगवान ने कर रखी है, कैसी अटैचमेंट। तो जब भी कोई कर्म होगा तो किसी के लिए होगा, किसी के लिए। तो भगवान ने मेरे जैसों को कहा चलो तू नहीं तू निर्लो ही हो गया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन तू मेरे लिए कर्म कर, तुझे क्या मेरे से प्यार है, है मालिक आप तो मेरे सर्वस्व है, सब कुछ है, तो बस तू मेरे लिए कर। भगवान ने मुझे यूं मनाया था, यह भगवान का आखिरी तीर था मेरे अंतःकरण के अंदर, मुझे अग्री करने का यहां कोई तीर, भगवान ने अपने तर्कत में से ये आखिरी दलील का तीर मारा मेरे अंतःकरण में, जब से मेरी नजरें और मेरा मुख प्रेम के नारे और छमछम अश्रुओं से स्वीकार कर गए। तो मेरे प्यार में नहीं है क्यों मालिक, सब कुछ आपका है, मेरे प्यार में कर्म कर। अब यही उपदेश भगवान जी ने गीता जी में दे दिया, पहली शर्त अंतःकरण पर कौन सी कही जाए, मेरी माताओं बच्चों बुजुर्गों भाइयों बरसाती कर्म हो, लेकिन फल पर दृष्टि रखकर भगवान को दृष्टि रखो, दृष्टि रखनी है ना, मुझे इतना रुपया मिलेगा, मुझे इतना मान मिलेगा, यही कर्म प्रतिष्ठि करते हैं ना, इतना रुपया इतना मान, हाँ मेरी ये जरूरतें पूरी जाएंगी। अब भगवान का प्यारा किधर नजर न रखते मेरे भगवान खुश होंगे, मेरा अंतःकरण निर्मल होगा, मेरे प्रभु दीदार देखते मेरा कल्याण करेंगे, दृष्टि यूं होगी। यह दृष्टि सजनों यूं होनी थी, फल पर धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी और मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाएंगी, या तो ये दृष्टि होनी थी, या मैंने जो अभी भी कहा दूसरी तरफ अदरलैंड मेरा अंतःकरण निर्मल होगा, मेरे भगवान खुश होंगे, मेरे दीदार देंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। आगर आर की बात है, या वो ये भाव पैदा हो गया उनके अंदर, बिल्कुल ठीक। फिर भगवान ने कहा जो मैंने ज्ञान दिया है इसको समझने की कोशिश कर, ये दूसरा ताना पेटा धागा, जैसे मैंने कहा बरसाती विशेष प्रकार के धागों का ताना पेटा है, इस पर जो अंतःकरण के हैं ये विशेष प्रकार के भावों का ताना पेटा है, विशेष प्रकार के भावों का ताना पेटा। पहला भाव कर्म पे नजर, कर्म फल पे नजर ना हो बल्कि भगवान जी पे नजर हो, ठीक। दूसरा भाव भगवान जी के ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने नाना प्रकार की शंकाओं की धजियां उड़ा दी जाए, क्योंकि शंकाएं जीव को आगे नहीं बढ़ने देती, शंकाएं धार्मिक मार्ग में जहर है, संख्या है, संख्या बोलते हैं जहर को, शंकाएं संख्या है धार्मिक मार्ग में, धार्मिक मार्ग को मार देती है अगर मन में शंका पैदा होगी, बिल्कुल हट जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे आप, ना आप मुझसे प्यार करेंगे, ना मेरे भगवान से प्यार करेंगे, ना सत्संग से प्यार करेंगे, ना शास्त्र। अगर कोई शंका किसी ने आपके अंदर जहर भर दी या आपके कानों को पॉइजन कर दिया, बिल्कुल आप शोर छुड़ा करके चल जाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरी ज्ञान से इस शंकाओं को मिटा दो, ठीक। तीसरी बात देखिए जरा, पहला भाव भगवान के लिए कर्म करूं फल के लिए नहीं, दूसरा भाव ज्ञान को लेकर के शंका मन में न ठहरने दो, तीसरा भाव पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाओ कि मेरी जो असली घर है वो अंदर है, ये तो मेरी सराह है, जो चंद दिनों के लिए भगवान ने अपनी सराह की शान बढ़ाने के लिए हमें दावत दी है, शुरू में किसी ने बताया नहीं, अपनी दुनिया की शान बढ़ाने के लिए भगवान ने हमें चंद दिनों के लिए दावत दी है। असली घर तो वो है जहां से हम आए हैं, वो है परमात्मा। दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए भगवान हमें जू बुला लेता है, जीवों को जैसे नए नए पत्ते मौसम अनुसार बन जाते हैं, पतझर में गिरा देते हैं, बसंत में फिर नए पत्ते आ जाते हैं, इस तरह पत्तों की तरह नए नए रूप लेके भगवान की दुनिया में आकर रौनक बढ़ा देते हैं, फिर इन पत्तों को शरीरों को खत्म करके नए नए पत्ते और आ जाते हैं, जैसे पतझर बसंत, बसंत पतझर, ये लगातार कुएं के चिंदों की तरह या रैत की तरह चलती नीचे ऊपर होती रहती है,
इसी तरह ये चक्कर चलता ही रहेगा। हमारा असली घर अंदर है, हमारा असली घर ये नहीं, ये चंद दिनों के सराह की तरह टिकाओ है। जैसे ना कहा नेटिव लैंड, ये नेटिव लैंड नहीं है बल्कि ये एक पड़ाव है जहां थोड़ी देर के लिए टिकना है। तो मेरे बच्चे ये हमें भाग पैदा हुआ तो हम अब अंतर्मुखी जाएंगे। अंतर्मुखी का मतलब जो सत्ता हमारे शरीर को चला रही है उसकी ओर लपक पड़ेंगे, उसकी ओर झुकेंगे। कौन उसकी ओर झुकेंगे? मैंने आज से कुछ महीने पहले विस्तार दिया था पुतली घर का। हमारे वक्त आमतौर पर यही तमाशे हुआ करते थे पुतली घर के या भांडों के। आजकल नए नए तमाशे आ गए, भांड तमाशे करते थे, पुतली घर करते थे। तो पुतली घर पुतलियां मचाता था, मुझे बड़ा शौक होता था। एक दिन अचानक मैंने उस चार पाई के ऊपर काला कपड़ा, काले कपड़े के पीछे वो मुसलमान होते थे आमतौर पर, ये पुतलियां का तमाशा दिखाने वाले, लंबी लंबी मूछे और अजीब किस्म की दाढ़ी और अजीब किस्म की पगड़ी पहनी हुई, काला चार रंग उनका। तो मैं उस कपड़े, काले कपड़े के पीछे से हट गया। वो जब उसको देखा, कसम मुझे आपकी, उस दिन से पुतली का तमाशा का रस खत्म हो गया। पुतली का तमाशा खत्म, रस ही खत्म। वरना मैंने आपको बताया था घर पिताजी का चुराहे के पास ही था, जैसे ये चुराह हो और तेरे घर सामने हो, चुराहे के पास। तो जो डमरू बजाता और मैं रोटी भी खा रहा था, दो फुलके मेरे बकाया रह गए, उसको जेब में डाल करके भाग पड़ता था। मैं वहां खड़ा भी रहूंगा और खाता भी रहूंगा और तमाशा, यानी ऐसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहीं मैं इसे गवा ना दूं। माँ बिचारी रोकती रह जाती, लेकिन उसकी बस न चलता, उसको गिन गिन के गालियां देती। तेरे मेरे पुत्र को रोटी नहीं खाएगी, अब ये बेचारा भाग के आ गया तो वो देखता। लेकिन उस दिन के बाद खत्म, जब उसको देखा ये तो भागे लिए फिरता है, और यूं मैंने देखा पुत्र इसके साथ यूं लपेटे हुए थे, ये उंगलियों के साथ भागे। आप तो हैरान जाएंगे, एक भागा ज्ञान लिखता हुआ मैंने देखा, एक ज्ञान लिखता हुआ देखा, तीन तीन भाग्य लिखते हुए थे। यहाँ भी इस तरह अलग, ये अलग, ये अलग, यह अलग, ये अलग, ये तीन उंगलियां उसकी चल रही थी, ये तीन उंगलियां। तो जिस प्रकार की वो पुतली को चलाना है वो ही धागा खींचता था, समझ है, वो उसको प्रैक्टिस है। और मुंह से बोलता था, मुंह में कोई ऐसा पत्ता लिया होता की की करता था, तो विशेष प्रकार का पान का पत्ता लेके और कोई बजाना बड़ी जोर की, ये बस खत्म। इसी तरह सरकार जब हम अंतर्मुखी होती है ये समझ करके कि सारे कारखाने का चलाने वाला कोई पुतली घर और है, साधुओं की संगत में आकर शास्त्रों को पढ़कर भगवान द्वारा बख्शी गई बुद्धि पर विचार करते हुए जब ये समझ आ जाती है कि इसको चलाने वाला कोई और है, फिर हम क्या हो जाएंगे? अंतर्मुखी। पूर्ण विश्वास हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा पहले शंका खत्म, और पूर्ण विश्वास हो जाए कि इसकी पुतली के पीछे कोई और है। और है तो वो कौन है? जिज्ञासा पैदा हो जाती है, जबरदस्त जीव एस्पायर करता है, हु इज दैट, फिर वो अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी दिन प्रदिन होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। हाँ, वृत्ति सारी अंतर्मुखी, और संसार की जो लवाजमात थी, संसार के जो तल्लुकात थे खत्म, संसार से कुछ आशाएं थी खत्म, संसार से कोई लेने देने का स्वार्थ था खत्म। जब जीव को ये समझ आ गई कि सब कुछ तो मुझे बनाने वाले से मिलना है, बनावट से नहीं मिलना, बनाने वाले से मिलना है, बनावट से नहीं मिलना, यानी क्रिएशन से मुझे नहीं मिलना, क्रिएटर से मिलना है, ऐसे जीव इंकलाबी बन जाते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं, भगवान की खोज में लग जाएंगे। उन्हें बात की ये मिला तो क्या, वो ना मिला तो क्या, मान मिला तो क्या, उनका ये उद्देश्य ही रहता, यानी संसारिकता उनसे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सो फॉर द ओरिजिनल संसार हा फॉर एवर रिनाउंस्ड, फॉर एवर आई स्पीक रिनाउंस्ड, छूट गए, छोड़ दिया गया उन्होंने। अब अंदर अंतर्मुखी होते गए, आत्मा के नजदीक पहुंचते गए, वृत्ति हो जाती है सूक्ष्म, आत्मा में या परमात्मा के दर्शन इसी तरह से दिन दिन जो आप जाप करेंगे, जो मैंने आपको प्रातःकाल का स्वभाव बना दिया, जागो प्रातःकाल, नहा धो बैठो और महाराज जी के लिए हाजिर हो, इसी तरह जो जैसे एक सुई जो सुई की बड़ी कांख, आज बड़ी कांख में धागा डालना है, हाँ, तो उस धागे को लेकर के दो कपोटों में डालते हुए हम उसे बार बार मरोड़ी देंगे। देखिए भगवान के दर्शन कैसे, आत्मा का अनुभव कैसे, जैसे धागे को मरोड़ी दे करके उसके अगले सिरे को बरी किया जाता है। ब्री करने के बाद फिर हम ब्री आंख में डालते हैं, नहीं अभी पड़ता, हम देखते हैं कि अभी धागा अगला हिस्सा उसका मोटा है, फिर उसे पकोटों में लेकर के इसके फिर हम मरोड़ी देंगे या टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग अगेन एंड अगेन, फिर मरोड़ी दे दे करके वो ब्री को डालता है, हम डालते हैं और डर गया, और जैसे हम गांठ लगा देंगे और सीने काट लाएंगे,
बिल्कुल इसी तरह जाप करके, भजन करके, सुमन करके, स्वाध्याय करके या दान पुण्य करके हम अपने स्थूल मन को सूक्ष्म बनाते। ये दृष्टांत हमेशा याद रखना। मैं ये इसलिए कहा करता हूँ ये रात दिया गल किन किन बच्चा आप ठाकुर बाबा हमें बता। जैसे दो धागों को पुत्र बार बार आवाज मेरी आनी चाहिए, बताइए आखिरी में प्रसंग आप सबके लिए बड़ा कल्याणकारी। जैसे दो धागों को बीच में लेकर हम मरोड़ी देते हैं और उनके बरी करके फिर सुई की आंख में जाती है, बिल्कुल ठीक इसी तरह जितने भी ये हम नेक कर्म करते हैं, सत्संग हो गया, स्वाध्याय हो गया या पाठ हो गया या कोई दान पुण्य करते हो, याद रखना सिर्फ सूक्ष्म मन को बरी करने के लिए। जय भगवत की जय।